2020 में भारत की अंतरिक्ष में पहली छलांग। इसरो ने लॉन्च किया GSAT-30। एरियन 5 रॉकेट ने फ्रेंच गुयाना से भरी सफलता पूर्वक उड़ान। लॉन्च के 40 मिनट के बाद कक्षा में स्थापित हो गया GSAT-30। इसरो का ये उपग्रह DTH, टेलीविजन, दूरसंचार और प्रसारण के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। 3,357 किलोग्राम के इस उपग्रह में 12C और 12KU बैंड के ट्रांसपॉन्डर लगे हैं। ये इनसेट 4A की जगह लेगा और 15 साल तक काम करेगा। मोदी सरकार के आने के बाद इसरो ने जिस तरह से एक के बाद एक अंतरिक्ष में छलांग लगाई है, उससे दुनिया हैरान है। 2019 का साल तो इसरो के लिए ऐतिहासिक रहा। 24 जनवरी 2019 PSLV C-44 का प्रक्षेपण, क्लाम सेट और इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसेट आर अंतरिक्ष पहुंचा। क्लाम सेट को विद्यार्थियों ने और चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया ने तैयार किया था। 6 फरवरी 2019 संचार उपग्रह GSAT-31 हुआ लॉन्च, भारत का 40वां संचार उपग्रह। 27 मार्च 2019 स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने वाली महाशक्ति बना भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश। 1 अप्रैल 2019 सैन्य उपग्रह MESAT सफलतापूर्वक लॉन्च, एक साथ 3 कक्षाओं के लिए इसरो का पहला मिशन, दुश्मन के रडार और सेंसर्स पर निगरानी में माहिर। 22 मई 2019 जासूसी सैटेलाइट RESAT-2B लॉन्च, 3 फीट की ऊंचाई तक बेहतरीन तस्वीरें लेने में सक्षम। 27 नवंबर 2019 जासूसी उपग्रह CARTOSAT-3 समेत 13 अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च, सबसे ताकतवर कैमरे वाला भारत का उपग्रह हर मौसम में तस्वीर लेने में सक्षम। 11 दिसंबर 2019 RESAT-2BR-1 के साथ 4 देशों के 9 और सैटेलाइट लॉन्च, भारत की रडार इमेजिंग ताकत कई गुना बढ़ी। 35 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 चीजों की अलग अलग और साफ साफ पहचान करने में माहिर। भारत के लिए ये भी गर्व की बात है कि इसरो ने अब तक 319 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है।